पिछली बार आप आए थे तो आपने कहा था कि 45 दिन के अंदर चक्की मोड़ के पास भी जो है वो पुल बन जाएगा, लेकिन काम जो है अभी तक नहीं हुआ, क्या? देखिए, अभी दो दिन पहले ही हमारी मुख्यमंत्री जी से इस पर बात हुई है और मैंने उनको इस बात के लिए किया है कि पूरी सतर्कता के साथ प्रशासन को लगाया जाए ताकि जो पिछली बार हुआ आपदा में वह अब की बार हिमाचल में न हो। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उस पर लगे भी हुए हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है, तो ये लग रहा है कि पूरे प्रशासन को उन्होंने इस संदर्भ में सतर्क किया है और निश्चित रूप से अब की वो ठीक होना चाहिए। सर, नवंबर 2023 में सोलन में आपने एक बैठक ली थी, केंद्रीय जो योजना है उसकी समीक्षा बैठक ली थी, तो तब उस वक्त मैंने सवाल किया था आपसे कि राजभवन और सरकार के बीच में किस तरह के संबंध है, लेकिन पिछले दिनों आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तो उससे लग रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच में थोड़ी तनातनी चली है। नहीं, किसी प्रकार के तनातनी की बात नहीं है। ये जरूर है कि किसी गलत फहमी में संबंधित मंत्री जी ने एक बयान दे दिया था, मुख्यमंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि उसमें राजभवन में का कहीं दोष नहीं है, बल्कि राजभवन ने जिस पत्रावली के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजभवन में है वह पत्रावली 3-4 महीने पहले ही शासन के पास पहुंच गई है और आज विधि विभाग के पास है, सेक्रेटरी ला के पास है। इसको स्वयं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर करके बता दिया है। राजभवन किसी भी प्रकार से सरकार के संरक्षण को छोड़कर के और कुछ नहीं करेगा। सर, नशा और पर्यावरण की बात करें, हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर आपकी? देखिए, ये हम सभी लोगों के सोचने का विषय है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जिस प्रकार से नशा हिमाचल में घरों तक पहुंच गया है, अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो पूरा हिमाचल बर्बाद हो जाएगा। बगल के राज्य जिस स्थिति में है, अगर उससे बचाना है हिमाचल को, तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के नशे के विरुद्ध काम करना है और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इस पर अब काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस पर ये कहा था कि नशे के विरुद्ध काम करो, मैंने उसको शुरू भी किया है और विभिन्न संस्थाएं भी अब लग करके उसको कर रही है। तो केवल पुलिस ही इसको नहीं रोक सकती है, जब तक जनता के लोग नहीं मिलेंगे तब तक नशा को रोका नहीं जा सकता है। साथ मेरा आग्रह है हिमाचल की जनता से कि वह नशे के विरुद्ध अभियान में जुटे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।